हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। तो जो मैं आज क्वेश्चंस बताने वाली हूँ वो है आपके जून 2024 टर्म एंड एग्ज़ाम्स के, ठीक है। और मैं ना जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ वो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर में से और आपके इग्नू टेक्स्ट बुक में से लिए गए हैं। और एज़ यू नो कि जो भी इग्नू का क्वेश्चन पेपर फ्रेम होता है वो सारा का सारा या तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आता है लाइक 50-60% और बाकी का टेक्स्ट बुक में से एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। आपका ऐसे कुछ घुमा फिरा के नहीं आता। बट इसमें एक क्या अलग बात है, ये जो आपका सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग प्रोज, इसमें ना आपको स्टोरीज़ और नॉवेल्स वगैरह दी हुई हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना इसकी समरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी तभी आप इसके आंसर्स कर पाओगे। अगर आप समरी अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपको आंसर्स करने में कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो मेन फोकस आपका होना चाहिए समरी पढ़ने में। अब मैं बताती हूँ, लास्ट में मैं आपके लिए ना एक क्वेश्चन पेपर दिखा दूँगी, ठीक है। शुरू करते हैं। यूनिट वन में से हमारे पास है प्रोज एंड पोइट्री, इसकी डेफिनेशन और इसको डिटेल में नहीं ब्रीफ में इसको समझाना। फर्स्ट 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, फिगर ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशंस, देन ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म, इस तरह से आपके मैंडेटरी चार क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, ठीक है। वो आपके 20 मार्क्स के होंगे, तो 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि दी हमें ऐसा कुछ बताओ जो हमको पास करने के लिए सफिशिएंट हो, क्योंकि इग्नू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग पीपल हैं और उन्हें सिर्फ एक डिग्री चाहिए, वो उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है ऐसे सब कुछ पढ़ने का, ठीक है। तो उनको सिर्फ पास करना होता है। तो मैं उन लोगों के लिए भी और जो अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। 20 मार्क्स के आपके ये हो गए, ठीक है। डायरेक्ट आपकी सीधा सीधा डेफिनेशन आएंगी और आपको 5 मार्क्स में जो इग्नू का एक शीट होती है वो तो भरनी ही है, और अगर आप और लिख सकते हैं तो 2 शीट इज सफिशियंट, बट एक शीट तो आपको अच्छे से भरनी है। और ऐसे नहीं कि आप ऐसे ऐसे एक एक लाइन छोड़ के लिख देंगे 5 लाइन, ऐसे नहीं, फुल पैराग्राफ। और अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो वो भी प्रॉपर पॉइंट्स होने चाहिए अच्छे से। देन यूनिट टू में हमारे पास रीड पैसेज एंड अंडरस्टैंड ओनली। इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ तक यूनिट फोर तक इसमें हमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज दिए हुए हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोस्ट्री। इसमें क्या है, ये जो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं, ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं। इसमें इसका मतलब कुछ और होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है, नरेटिव डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ। तो इसमें आपको समझना है कि कौन से टाइप का टेक्स्ट है। आपको ना कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं आता है बट इसकी डेफिनेशन आ सकती है, और इससे ज़्यादा इस वाली यूनिट में से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। देन हमारे पास ब्लॉक टू से हमारी स्टार्ट होती है। इसके बाद आपके जितने भी है ना वो सारे क्वेश्चंस आपके या फिर जो भी आपकी इसमें नॉवल्स हुई हैं, चाहे वो द मिस्री हो या फिर एनी फ्रैंक की हो या फिर कोई सी भी नॉवल हो या फिर कुछ भी हो, उसमें से आपको ना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप उससे क्या समझे, आप इस चीज़ से क्या समझे, आपके ऊपर क्या रिफ्लेक्ट हुआ, तो वो आपको लिखना है। ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं, ये वाले क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं कुल मिला के, क्योंकि स्टोरी तो वही है, बस क्वेश्चंस की जो फॉर्म है वो बदल दी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कमेंट अपॉन द ट्रेजेडी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द इनसेंसिटिविटी ऑफ हिज लिसनर्स इन द शॉर्ट स्टोरी मिसरी, ठीक है, मिजरी। ये आपका आ जाएगा। इसमें आपको जो ट्रेजेडी है ओल्ड मैन की उसके बारे में बताना है, और जो इनसेंसिटिविटी जो उनके लिसनर्स की उस मूवी उस नॉवल में दर्शाई गई है वो आपको बताना है, ठीक है। देन आपके पास नॉर्मली ना समरी ऑफ द स्टोरी लिखने को आता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मिजरी, तो मिजरी। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले नॉर्मल ओवरव्यू दे दोगे, उसके बाद सिग्निफिकेंस के क्या क्या उसमें मेन इवेंट्स, मेन चीज़ें हुई हैं वो आपको लिखनी है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 20 मार्क्स में आपके कम से कम 3 से 4 पेज तो होने ही चाहिए, उसके बाद 5 to 6 हो सकते हैं, क्योंकि इग्नू में जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इट्स अ बिटर ट्रूथ। देन क्वेश्चन नंबर 5, रिलेट द सब्जेक्ट टाइटल टू होम शैल आई टेल माई ग्रीफ टू द मेन टाइटल ऑफ द स्टोरी। इसका मतलब जो पूरी स्टोरी है ना और उसका ये टाइटल है, क्यों ये टाइटल दिया गया कुछ तो रिलेशन होगा ना, तो वो रिलेशन पूरा ओवरव्यू आपको देना है। देन है हमारे पास यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टर्स ऑफ फादर मदर सन। तो इसमें क्या आ सकता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपका आ सकता है कैरेक्टर्स ऑफ, आपको फादर का लिखने का आ सकता है, मदर और सन का लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जूदा वॉटन गिव्स द इनसाइडर व्यूज ऑफ द ज्यूइश लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट मतलब जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसकी हेल्प से बताइए कि जूदा वेटन ने कैसे जो वहाँ पे ज्यूइश लाइफ है ऑस्ट्रेलिया में उनका अंदर से किस तरह से वो रहते हैं उसका ओवरव्यू दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू एग्री दैट द शॉर्ट स्टोरी मदर इज अ फिक्शनल अमाउंट ऑफ जूदा वेटन्स ओन लाइफ, सपोर्ट योर आंसर। तो क्या जो ऑथर ने स्टोरी लिखी है वो उसकी पर्सनल लाइफ पे कहीं आपको ऐसा लगता है तो अपने आंसर को सपोर्ट करिए। फ्रॉम द टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट में इवेंट्स वगैरह है उन्हीं से आपको सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपल ओनली वीक बिफोर गुड। ये एक ना कोट है उसमें, तो आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, और ये सब आप तब कर पाओगे जब आपको इनकी सबकी समरी पता हो, तो समरी सबकी पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर, अब ये यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 11, लाइफ ऑफ इंग्लिश इन ऑरवेल्स बुर्मा, ठीक है, वहाँ पे कैसी लाइफ थी। देन हाउ द पीपल इन बुर्मा हैव बीन पोर्ट्रेड इन शूटिंग एन एलिफेंट, किस तरह से वहाँ के लोगों को दिखाया गया है।
यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 नरेट द ओपिनियन ऑफ किनकेड अबाउट इंग्लैंड व्हेन शी फर्स्ट विजिटेड एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे वो पहली बार वहाँ पे गई, तब उसका क्या पर्सपेक्टिव था, क्या नज़रिया था, और उसके बाद जब उसके पापा गए तो उन्होंने कैसे देखा, ये आपको इसमें बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 किनकेड्स एंगर अगेंस्ट द इंग्लिश इज रिवील्ड थ्रू हर एसे। उसका एंगर झलक रहा है उस एसे से ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। उसमें उसका ना आपको गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो आप उसको एग्री करते हो कि उसका गुस्सा जायज़ है कि नहीं, वो आपको इसमें लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस में ऐसे घुमा फिरा के दे रखे हैं, बट आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है कि उसमें पूछा क्या गया है, क्योंकि पूछेंगे वो स्टोरी के अंदर से, बाहर से कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो स्टोरी पढ़ो, बस द मेन थिंग इज स्टोरी पढ़ो। राइट अ नोट ऑन द यूज़ ऑफ सार्कासम एंड आयरनी इन जमिका किनकेड्स ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस पे आपको सार्कासम और आयरनी लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी बताना चाहिए कि कैसे डिफरेंट था जब उसने अपने बचपन में वहाँ विजिट करा, और कैसे वो चेंज हुआ जब उसने एडल्ट में वहाँ पे विजिट किया। जैसे होता है ना, बचपन में जाते तो हमें कुछ और, हमें इस प्लेस के बारे में फीलिंग आती है, और हम जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ और आती है। तो इसमें आपको लिखना है कि क्या डिफरेंस थे। देन क्वेश्चन ब्लॉक 3 क्वेश्चन नंबर 3। अब जो ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये आपके जो मैंने आपके फर्स्ट उसमें बताए थे कि 5-5 मार्क्स के आएंगे, 20 मार्क्स के, उसमें से है। बट इज़ ऑटोबायोग्राफी, फॉर्म्स ऑफ इट, बायोग्राफी, और इसमें से ना ज़रूर आते हैं ऑटोबायोग्राफी, फॉर्म्स ऑफ इट और बायोग्राफी, तो ये कर लेना। यूनिट नंबर 2 अगेन समरी तो आपको पढ़नी है। देन क्वेश्चन नंबर 17 गांधी इज इंप्रेशन ऑफ बुर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 ब्रीफली डिस्क्राइब ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी। यूनिट 3 समरी। क्वेश्चन नंबर 19 बर्टन रसेल उसका लाइफ और वर्क। पोर्ट्रेट ऑफ रसेल डिस्क्राइब अर्ली चाइल्डहुड स्टोरीज एंड सम इवेंट्स विद हिज ग्रैंड मदर लेडी स्टैनली। क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 समरी, उसके बाद जो उसमें डिस्कशन दिया हुआ है वो। देन ब्लॉक नंबर 4 समरी पढ़नी है। ये ना एक डायरी है एनी फ्रैंकी, और ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जो वहाँ पे जूश लोग फंस गए थे ना, तो उसने फंसे फंसे डायरी लिखी थी, ठीक है। डिस्कशन इसमें दिया हुआ पढ़ना है एनी। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 है एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज मच मोर देन अ पर्सनल अकाउंट ऑफ हर एक्सपीरियंसेस। वो जो उसका पर्सनल, अब जैसे मैं कुछ पर्सनल लिखूंगी तो मैं उससे कुछ कहीं बढ़कर अगर लिखूंगी तो ऐसा उसमें है कि उसके पर्सनल लाइफ से कुछ ज़्यादा बढ़कर उसमें उसने लिखा हुआ था, तो उसको आपको डिस्कस करना है ब्रीफली। हाउ इज़ एनी फ्रैंक्स रिस्पॉन्सेज टू ब्रेक इन्स कनेक्टेड टू हर जनरल मूड वाइल इन हाइडिंग। तो एनी फ्रैंक का क्या रिस्पॉन्स हुआ जब उसके घर में लोग बिना बताए घुस आए, तो उसमें उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। एनी फ्रैंक्स डायरी इज़ अ सोशल हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी कमेंट। एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो कैसे सोशल हिस्टोरिकल और लिटरेरी कमेंट, मतलब लिटरेरी टेक्स्ट है, उसमें आपको कमेंट करना है। ऑल्सो इट रिवील्स द ट्रोमा ऑफ द होलोकास्ट। बाय होलोकास्ट क्या था, होलोकास्ट यहाँ पे जूश पीपल को जैसे आपने सुना होगा मारा गया था हिटलर की तरफ से ना, तो वो क्या है और उसका ट्रोमा क्या है वो आपको बताना है। देन यूनिट 2 में समरी। देन क्वेश्चन नंबर 27 मार्गरेट लॉरेंस स्पीच शोज हर कमिटमेंट टू सोशल कोज। मतलब कि उस स्पीच से पता चलता है कि उसका कमिटमेंट, मतलब उसका उस तरफ झुकाव सोशल कॉजेज की तरफ। एलैबोरेट विद एग्जांपल्स, आपको इस वाली माय फाइनल आर से एग्जांपल के द्वारा एलैबोरेट करना है। ऑल्सो लॉरेंस स्पीच डिस्प्लेस बोथ हर सेंस एंड ह्यूमर, और कैसे उसकी स्पीच उसके सेंस को भी दिखाती है और उसके ह्यूमर को भी दिखाती है, इस पे आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 28, इससे पहले आप समझिए पढ़ेंगे। हाउ डज जवाहरलाल नेहरू यूज द लेटर फॉर्म टू डिस्कस मैन्स क्वेस्ट फॉर नॉलेज। हाउ द क्वेस्ट ऑफ मैन गिव्स इनसाइट टू द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन 29 डू यू थिंक बिल एटिकन इज ऑब्जेक्टिव वाइल राइटिंग अबाउट द नॉर्थ साउथ कल्चरल इंडिया, गिव एग्जाम्पल। ये हो गई आपकी पूरी यूनिट। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने देखा वो किसी ना किसी फॉर्म में ना रिपीट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो वो हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होलोकॉस्ट एंड द ट्रोमा ऑफ जूइस फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। इसको पढ़कर आपने होलोकॉस्ट और ट्रोमा जो उन्होंने सहा उसके बारे में आपने क्या समझा वो आपको लिखना है। द स्टोरी मिजरी डील्स विद द ह्यूमंस इनसेंसिटिविटी और टू अदर्स पीपल ग्रीफ डिस्कस। कैसे लोग ना बहुत इनसेंसिटिव, मतलब बहुत निर्दयी होते थे, इसमें आपको कैसे वो पता चल रहा है। एंड वॉट कंपेल्स याना टू इवेंचुअली टेल हिज स्टोरी टू द मेयर, और क्या उसको मोटिवेट किया स्टोरी बताने के लिए योना को। क्वेश्चन नंबर 32 बिल एटिकन इज मेकिंग फन ऑफ पॉलिटिशियंस इन ट्रैवल बाय अ लेसर लाइन, डू यू एग्री। ठीक है, इसमें आप अगर एग्री हैं तो आपको ओपिनियन देना है अपना इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टेक्स्ट जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 एक्सप्लेन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ब्लैक्स इन अमेरिका एज पोर्ट्रेड इन 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। तो इसमें क्या है आपकी जो ब्लैक पीपल, ठीक है, ब्लैक पीपल मतलब जो अफ्रीकन पीपल है मोस्टली, उनको किस तरह से किस किस कंडीशन में, किस बुरी कंडीशन में उनको रखा गया है, और ये कैसे
एक अच्छी मतलब इसको एक तो आपको बताना, अगर यहाँ पे बताना लिखा होता तो आप सिंपली बता देते, बट यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट्रेट, तो उनको उस नॉवल में किस तरह से बताया गया है उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इन 12 मिलियन ब्लैक वॉइस, तो ये था आपका BEGE 141 अंडरस्टैंडिंग द प्रोज। थोड़ा ये लेंदी सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी समरीज है, बट एक बार अगर आप समरी का मतलब उसके कैरेक्टर्स और उसका सिग्निफिकेंस समझ जाते हैं ना, तो आपको आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं लास्ट में ना एक दो क्वेश्चन पेपर डाल दूंगी ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसका वो होता है, मतलब किस टाइप्स का पैटर्न होता है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।